हाय गाइस, आज हम जयपुर से निकल चुके हैं और आज हमारा ट्रिप है मेहंदीपुर बालाजी का। तो हम गाइस दोस्तों के साथ यहाँ से निकल चुके हैं और हमारा सफर है यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर। हमारे भैया गाड़ी चलाने वाले, आगे के लोग कायम बैठे, पीछे सोनू भाई। तो हम निकलते हैं, निकल तो चुके ही हैं। क्या आप चल रहे हैं आगे? आगे क्या वीडियो आपको दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अब दौसा। अभी यहाँ से 2 घंटे दौसा ही है ना, दौसा। तो यहाँ से अभी 2 घंटे का सफर और बाकी है, उसके बाद हम पहुँचेंगे मेहंदीपुर बालाजी। फिर वहाँ जाके आपको दिखाएंगे आज पूरे मंदिर वगैरह सब कुछ दिखाएंगे, अंदर कैसा होता है कैसा होता है। लोग बताते हैं भूत भी आते हैं वहाँ पे, लोग कला खेलते रहते हैं, ऐसे भी बोलते हैं। आज सब दिखाएंगे आप लोगों को मंदिर में जाके। चलो तो मिलते हैं, अब सीधे मेहंदीपुर बालाजी मिलते हैं आपसे। बोल बालाजी महाराज की जय। अभी तुम्हारी साली लोग आगे मिलेंगे। तो गाइस हम बहुत समय में आपको दर्शन कराते हैं लाइव बालाजी महाराज के। आज की यात्रा हम लोगों की कुछ लंबी हुई है, खाटू श्याम सालासर बालाजी, फिर लौटते मेहंदीपुर बालाजी। अब हम मेहंदीपुर बालाजी पहुंच चुके हैं और हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने आई है, ये सब लोग उतर रहे हैं आराम से धीरे धीरे करके। अब आपको ले चलेंगे मंदिर में अंदर। आया भाई निकल आओ, क्या अंदर ही रहोगे? आ जाओ भैया, आ जाओ। और ये हमारे भाई खड़े हैं, और ये हमारे बड़े भाई खड़े हैं। हाय गाइस, सोनू भाई। हाँ भाई, सोनू भाई। अब आइए लाइन पे। तो अब ये हमारे राजा भाई आ गए हैं, और राजा भाई ने भी एंट्री मार दी है यहाँ पे। और ये अब बस चल भाई, कहाँ रह गए हमारे? हमारा छपरी भाई रह गया। छपरी 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 ब्रो, आ जाइएगा बाहर। मंत्री मंत्री साहब, हमारा इंतजार है अभी मुझे। गाड़ी को कपड़ा मान लो, ये आ गए भाई मंत्री, आ रहे हैं आगे। यही चमक रही है, आगे मंत्री साहब आ चुके हैं। बहुत बढ़िया देवा एक है, अरे वो नहीं कह रहा, मैं गाड़ी को राणा साहब की गाड़ी ना, वो तो मैं सामने मारूंगा, मैं करूं ले आते भाई। ये हमारी पूरी टीम है जो हम लोग घूमने आए हैं, इतने लोग हैं। हमारी पूरी टीम अब मंदिर की तरफ चल रही है। यहाँ पर आगे मंदिर है, थोड़ा ही आगे हम लोग मंदिर की तरफ अब जा रहे हैं। थोड़ी सी आगे दोस्तों मंदिर है, हम लोग पैदल जा रहे हैं। थोड़ी दूरी पे हम दिखाएंगे आपको बालाजी महाराज का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी का। भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने बालाजी महाराज के। और मेहंदीपुर बालाजी महाराज के सामने ही जस्ट राम मंदिर बना है, नया मंदिर बना है। जब पिछली बार हम लोग आए थे तब लोग शूट नहीं किया था, तब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहाँ पे, लेकिन अब पूरा हो गया होगा जहाँ तक है, 2 साल पुरानी बात है ये। अब मंदिर काफ़ी भव्य मंदिर बना है राम मंदिर, वो भी दिखाएंगे हम आप लोगों को। आप लोगों को हम दिखाते हैं आज मेहंदीपुर का मार्केट है, पुराना मार्केट है। आज रोज बहुत पूरे मार्केट में मार्केट है, आज भीड़ जैसे बहुत सारी भीड़ रहती है। आज संडे पे भी भीड़ कम है, मतलब इतनी भीड़ कम कभी होती नहीं है, यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। आज बहुत कम भीड़ है, हम लोग बहुत अच्छे समय पे आए हैं, इस बार बहुत कम भीड़ मिली है।
दर्शन के लिए जाना भैया, दर्शन के लिए पीसी वाले बैठे हुए हैं। ये अपना राजा भैया है, आज थोड़ा बीमार है, यहाँ ज़्यादा भीड़ है। चलो आज हम आप लोगों को राम मंदिर दर्शन कराते हैं, जब तक इधर भीड़ बहुत ज़्यादा है, आपको राम मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों आज मंदिर में एंट्री नहीं मिली, एंट्री बंद थी, पत्थरों का कुछ काम चल रहा था, तो आज एंट्री नहीं थी बिल्कुल भी। तो सॉरी दोस्तों, अगली बार आपको दर्शन कराएंगे बिल्कुल। अभी चलते हैं हम लोग दूसरे मंदिर की तरफ। दोस्तों जब हम आपको लेके चलते हैं गुफा में, बताते हैं हनुमान जी इसमें प्रवेश किए थे और फिर वो राक्षस ने मार के आए थे। दोस्तों यहाँ बताया एक बड़े हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। चलिए हम लोग आप चल के आगे आपको लोग वही प्रतिमा दिखाते हैं सामने। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी प्रतिमा है, हनुमान जी की प्रतिमा है ये। चारों तरफ हनुमान जी वानर सेना खड़ी हुई है, हर जगह हनुमान जी हैं, पूरे में हनुमान जी है। और ये पीछे जो पर्वतों की रेंज जा रही है, ये विंध्याचल पर्वत है बोलते हैं, हमारा बालाजी महाराज का जो पावन नगरी है मेहंदीपुर बालाजी, विंध्यास पर्वत में ही है। देखिए कितना सुंदर प्रतिमा को हम दोबारा से दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए। हेलो गाइस, तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट करते हैं उससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने के लिए अंदर से मन करता है। दबा के शेयर करो।